नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश झा और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने सैमसंग का फोन DMI फाइनेंस से खरीदा है या फिर कैश में खरीदा है और आपका फोन टूट जाता है तो आप किस तरह से कस्टमर केयर सर्विस सेंटर में जाकर अपना फोन फ्री में ठीक करा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सैमसंग ने जिस तरह से आप सैमसंग का जानते हैं DMI फाइनेंस सैमसंग ने खुद निकाला है, उसी तरह सैमसंग ने अपना पर्सनल केयर प्लस के नाम से एक इंश्योरेंस निकाला है। अगर आप सैमसंग का फोन लेते हैं और फोन के साथ केयर प्लस इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको क्या लाभ मिलता है और आप किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर आप हमारे YouTube चैनल टेक्निकल फ्लक्सोन में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आइए दोस्तों, आते हैं हम केयर प्लस की तरफ। दोस्तों, केयर प्लस में दो तरह का इंश्योरेंस है, या तो आप इसका वारंटी एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर इसका लिक्विड डैमेज या एक्सीडेंटल डैमेज यानी कि LDAD इंश्योरेंस ले सकते हैं अगर आपने नया फोन खरीदा है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये इंश्योरेंस 1 घंटे के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। आपने फोन अभी खरीदा है तो 1 घंटे के बाद ये इंश्योरेंस आपका स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 1 घंटे के बाद से लेकर 12 महीने पूरे साल तक में कभी भी अगर आपका फोन टूट जाता है तो आप अपने नजदीकी कस्टमर केयर पे सर्विस सेंटर पे जाकर अपना फोन रिपेयर करा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए क्या हमें पे करना पड़ता है, किस तरह से, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस सर्विस सेंटर पे जाकर ठीक करवाना है, वो सारी बातें बताने वाला हूं। दोस्तों, मान लीजिए आपने एक A21S फोन फाइनेंस कराया है अपनी आईडी पे DMI फाइनेंस की तरफ से और आपको दुकानदार बोल रहा है कि भैया आप केयर प्लस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, तो आप तो सोच रहे हैं केयर प्लस होता क्या है। तो ये मैं बता रहा हूं, अगर आप केयर प्लस लेते हैं A21S फोन में आपको 1099 रुपए का एडिशनल चार्ज भरना पड़ेगा, जिसमें आपका 1 साल तक फोन अगर टूट जाता है या पानी में गिरने से खराब हो जाता है या किसी भी तरह से आपका फोन खराब हो जाता है तो पूरे साल में आप एक बार अपना फोन ठीक करा सकते हैं। दोस्तों, A21S फोन अगर आप फोल्डर लगाने के लिए कस्टमर केयर में जाते हैं तो आपको 6000 रुपए लगता है और यहाँ केयर प्लस में आपको 1099 रुपए भरना पड़ रहा है। तो आपको अभी मैं कस्टमर केयर नंबर बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, आप उस नंबर पर कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आप उनसे बात करेंगे कि मेरा नाम ये है, जो भी है आपका नाम, मेरा मोबाइल नंबर है, अपना मोबाइल नंबर आपको बताना है, जो नंबर आप चला रहे थे अपने फोन में। दोस्तों, उसके बाद आपको उनको बोलना है, सर मैंने केयर प्लस ले रखा है और मेरा फोन टूट गया है या पानी में जाने से खराब हो गया है, जो भी हुआ है। वो आपसे आपका एरिया पिन कोड पूछेंगे, जैसे ही आप उसे अपना एरिया पिन कोड बताएंगे वो आपको आपके नजदीकी सर्विस सेंटर के बारे में बताएंगे कि ये आपके नजदीक सर्विस सेंटर है, आप इसमें से जो भी चूज करना है चूज कर लीजिए। फिर दोस्तों, आपको एक लिंक भेजा जाएगा कस्टमर केयर द्वारा, उस लिंक में आपको 599 रुपए का उस वक्त पेमेंट करना होता है। दोस्तों, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे फिर आपको दोबारा कस्टमर केयर पेमेंट करने के बाद कॉल करने के लिए बोलेगा, दोबारा फिर आपको कॉल करना है। जैसे ही आप दूसरी बार कॉल करेंगे तब आपको वो अपना सर्विस सेंटर प्रोवाइड कराएंगे और आपको एक टोकन नंबर देंगे जिसके माध्यम से आप उस सर्विस सेंटर पे जाएंगे और वहां पे वो टोकन नंबर बताएंगे, अपना फोन जैसे ही देंगे वो फोन आपका रख लिया जाएगा और दूसरे दिन, एक दिन का टाइम मांगे या 2 दिन का टाइम, आपको फिर कॉल किया जाएगा उसी नंबर पे सर्विस सेंटर की तरफ से, सर आपका फोन ठीक हो गया है और आप आइए ले जाइए। ये तो रहा दोस्तों केयर प्लस के बारे में। अगर आपको DMI का पेमेंट करना है और आपको पेमेंट करना नहीं आता है, उसके वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।